हेलो दोस्तों, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मिश्र धातु से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ए स्टील, बी ब्रॉन्ज, सी पीतल, डी तांबा। तो सही आंसर हो जाएगा डी तांबा। तांबा जो है एक मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है? ए सीसा, बी क्रोमियम, डी बंग, सी यसद। तो सही आंसर हो जाएगा सी यसद, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं जिसको हम लोग। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट लोहे के पाइप पर परत होती है? ए जस्ते की, बी पारे की, डी क्रोमियम की, सी लीड की। तो सही आंसर हो जाएगा ए जस्ते की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन तथा नमी, सी केवल हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजन तथा नमी। तो सही आंसर हो जाएगा बी, जो जंग लगता है लोहा में उसका कारण कौन है? ऑक्सीजन और नमी। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना? ए क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, सी निकल ऑक्साइड की परत का, डी जिंक ऑक्साइड की परत का। तो सही आंसर हो जाएगा बी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। तो एनोडीकृत प्रक्रिया में हम लोग एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत लगाते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, परत धातु मिश्रण है? ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, सी परत युक्त मिश्र धातु होती है, डी अपघर्षण के लिए प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी परत युक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? ए जस्ता, बी तांबा, सी मैग्नीशियम, डी लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा डी लोहा। लोहा जो है वो अमलगम नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? ए जस्ता तांबा, बी तांबा जस्ता, सी पैराटिन, डी सीसा जस्ता। तो सही आंसर हो जाएगा सी पैराटिन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अमलगम जो होता है यह एक मिश्र धातु होता है। जब हम मरकरी के साथ कोई भी धातु को या अधातु को मिलाकर मरकरी के साथ मिश्र धातु बनाएंगे तो उसको अमलगम कहते हैं। अमलगम में पारा का होना मतलब मरकरी का होना बहुत ही अनिवार्य है। टाका एक मिश्र धातु है? ए टीन तथा शीशे की, बी टीन तथा तांबे की, सी टीन तांबे तथा जस्ते की, डी टीन शीशा तथा जस्ते की। तो सही आंसर हो जाएगा ए टीन तथा शीशे की। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है? ए तांबा एवं टीन का, बी तांबा एवं चांदी का, सी तांबा एवं जस्ता का, डी तांबा एवं शीशा का। सही आंसर हो जाएगा सी तांबा एवं जस्ता का। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? ए 1%, बी 0%, सी 5%, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी 0%, जर्मन सिल्वर में चांदी का मात्रा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? ए पीतल एवं इनवार, बी पीतल एवं कांसा, सी कांसा एवं नाइक्रोम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी पीतल एवं कांसा। अगला प्रश्न है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम है? ए पीतल में, बी कांसा में, सी जर्मन सिल्वर में, डी गनमेटल में। तो सही आंसर हो जाएगा बी कांसा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? ए एंटीमनी, बी तांबा, सी टीन, डी जस्ता। तो सही आंसर हो जाएगा बी तांबा। अगला प्रश्न है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है? ए जस्ता एवं लोहा, बी तांबा एवं लोहा, सी तांबा एवं जस्ता, डी लोहा एवं निकेल। तो सही आंसर हो जाएगा सी तांबा एवं जस्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है।
अगला प्रश्न है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ए रांगे की, ब्रैकेट टिन की, बी अल्मोनियम की, सी जस्ते की, डी शीशे की। तो सही आंसर हो जाएगा ए रांगे की, मतलब टिन की। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात ब्रैकेट स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? ए कार्बन, बी निकल, सी क्रोमियम, डी मोलिब्डेनम। तो सही आंसर हो जाएगा बी, निकल से मिलाने से क्या होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है अचुंबकीय हो जाता है, जबकि कार्बन से मिलाने पर क्या होता है, वो कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? ए कार्बन की मात्रा, बी सिलिकॉन की मात्रा, सी मैग्नीज की मात्रा, डी क्रोमियम की मात्रा। तो सही आंसर हो जाएगा ए कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? ए अल्मोनियम, बी कार्बन, सी क्रोमियम, डी टिन। तो सही आंसर हो जाएगा सी क्रोमियम। अगला प्रश्न है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ए कार्बन, बी मैग्नीज, सी सिलिकॉन, डी निकेल। तो सही आंसर हो जाएगा सी सिलिकॉन का उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी कार्बन मैग्नीज और निकेल का उसमें इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? ए लोहा क्रोमियम यसद और कार्बन, बी लोहा टिन मैग्नीज एवं यसद, सी लोहा क्रोमियम मैग्नीज एवं कार्बन, डी लोहा निकेल यसद एवं टिन। तो सही आंसर हो जाएगा सी लोहा क्रोमियम मैग्नीज एवं कार्बन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? ए निकेल और तांबा, सी निकेल और टिन, बी जिंक और टिन, डी क्रोमियम और निकेल। तो सही आंसर हो जाएगा डी क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल के अलावा कार्बन भी मिलाया जाता है और मैंगनीज भी मिलाया जाता है। स्टील एक मिश्र धातु है? ए लोहे और निकेल की, बी लोहे और क्रोमियम की, सी तांबे और क्रोमियम की, डी लोहे और जस्ते की। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, उसके बाद क्रोमियम भी होता है और निकेल भी होता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टील में कितना कार्बन होता है? ए 0.1 से 2%, सी 10 से 15%, बी 7 से 10%, डी शून्य। तो सही आंसर हो जाएगा ए 0.1 से 2%। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार ए बढ़ता है, सी वही रहता है, बी घटता है, डी अनिश्चित। सही आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। फिर बाद में जब जंग झड़ जाता है तो लोहे का वजन जो है, भार जो है घट जाता है।